अच्छा हो गया हो गया हो गया। अरे अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या था? देखना नहीं आप इधर देखो, इतना देर जितना देर था मौका बहुत बात किया। अकाउंट्स का डेफिनेशन बारे सब इधर उधर कर दो सारा स्टेप। शाबाश, जब बोला रिवाइज करो तब बात कर रहा था तुम लोग, ऐसे नहीं होता है। क्या था अकाउंटिंग का डेफिनेशन? आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। रिकॉर्डिंग में क्या करेंगे? जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स कितना तरीके का होता है? कौन सा? कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर। सीधा जर्नल प्रॉपर, बीच का सब खा जाओ बाबा, अपन भी बोलने का ठीक है, और पीछे से भी आवाज आना चाहिए। तो दैट वाज माय सब्सिडियरी बुक्स। रिकॉर्डिंग लेवल में जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक्स बनाएगा, क्लासिफाइंग में लेजर्स बनाएंगे, समराइज, ट्रायल बैलेंस। देखो मैंने ना सिखाया नहीं है कि कैसे लेजर बनाते हैं, कैसे ट्रायल बैलेंस होता है, कुछ नहीं बताया, जस्ट स्टेप्स का पार्ट है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, समराइज करने के बाद क्या करना है? एनालाइज। उसमें क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। व्हाई वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट? टू एसर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ अ बिजनेस, ठीक है? दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। पीएनएल अकाउंट, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है? बैलेंस शीट में क्या क्या लिखते हैं हम लोग? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स कौन सा साइड में होगा? लाइबिलिटीज लेफ्ट साइड। ओके, एसेट्स में कितना तरीके का एसेट्स होता है? दो तरीके का। कौन सा? नहीं, यस, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन करंट एसेट्स? जो लॉन्गर पीरियड के लिए बिजनेस में चलेगा, बेनिफिट्स देगा, आर माय नॉन करंट एसेट्स। एंड करंट एसेट्स विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो गया तो करंट एसेट्स। नॉन करंट लायबिलिटीज एनी ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस व्हिच विल बी सेटल्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, नॉन करंट लायबिलिटीज। एंड करंट लायबिलिटीज विद इन 12 मंथ्स में जो सेट ऑफ करना है वो मेरे लिए करंट लायबिलिटीज है, राइट? देन नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स दो तरीके का होता है, कौन सा? टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब सीन, टच, फील, सब कुछ कर सकता है, वो हो गया मेरे लिए टेंजिबल, राइट? और इनटेंजिबल क्या था? विच कैन ओनली बी फेल्ट, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब तुम्हारा टेंजिबल हो गया। देन इनटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ, दीज आर ऑल पेटेंट, दीज आर ऑल इनटेंजिबल एसेट्स, क्लियर है? देन व्हाट डू यू मीन बाय लोन्स एंड एडवांसेस? यस, बिजनेस का पैसा जब हम किसी को उधार देते हैं, then it is known as loans and advances. If वो for a period of 12 months है, तो वो current होगा या non-current? Current assets. And more than 12 months के लिए दिया तो non-current assets, ठीक है? Is it clear? What do you mean by debtor? The person to whom we sell goods on credit is known as debtor. What do you mean by closing stock? Stock of finished goods lying unsold at the end of the year is known as closing stock. Clear hai? What do you mean by bank overdraft? Negative balance of a bank is known as bank overdraft. Bank overdraft business ke liye current assets hai ya phir non-current assets?
बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए एसेट है ही नहीं, इट्स अ लायबिलिटी. कैसा लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर्स? द पर्सन फ्रॉम होम वी परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूड इनकम? Services has been given but amount is yet to be received is known as accrued income. What do you mean by advance income? Paisa mil gaya, service dena baki hai, right? So advance income will be counted in my current year income or not? जिस ईयर में सर्विस देंगे उस ईयर का इनकम में काउंट होगा, राइट? करंट ईयर का इनकम में हम एडवांस इनकम को काउंट नहीं करते. एडवांस इनकम इज ट्रीटेड एज विच लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी. नॉन करंट थोड़ी होगा बाबा, 12 मंथ्स के अंदर में ही तो तुमको सर्विसेज देना पड़ेगा. ठीक है, तो करंट लायबिलिटी होता है एडवांस इनकम. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ कुछ तो सही बोला, बाकी तो लिप सिंक है. सर्विसेज मिल चुका है, पेमेंट करना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी कंसिडर्ड इन माय टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर. विल आई इंक्लूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन माय टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर? जो लोग नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे भाई? मुझे करंट ईयर का एक्सपेंस फाइंड आउट करना है. आई विल बी कंसिडरिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिकॉज मेरे को करंट ईयर का एक्सपेंस है. जस्ट मैंने पेमेंट नहीं किया ना, बट सर्विसेज तो ले लिया. बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ विच अजम्पशन वी कंसिडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज करंट ईयर एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम एज करंट ईयर इनकम? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट? बिकॉज ऑफ मौसम बदल गया क्या? नहीं, चेयर ऐसे थोड़ी हिलाता है. चेयर हिलाने का मतलब ढूम 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 थोड़ी किया होगा. रात को भगवान का अपना ही अलग पार्टी चलता है हमको लगता है. ठीक है, बट समझ में आया अक्रूवल बेसिस क्या था? व्हाट डू यू मीन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या था? बात नहीं, अपन इधर बैठ के पढ़ेंगे. हाँ अरे पढ़ते क्या है, बातें ही तो कर रहे. पढ़ाई किया क्या अभी तक? नहीं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं? ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है हमारी, कहाँ पढ़ाई हो रही है? बात ही तो चल रही है. बातों बातों में बात आई, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या था? एज पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. ठीक है, आई बात समझ में? दैट शुड बी रिलेटेड टू माई current year. Any income or expenses, whether we have received or not, whether we have paid or not, if it is related to my current year, then it will be included in current year because of accrual basis of accounting. Clear hai ye cheez? What do you mean by prepaid expense? Payment kar diya, services milna baki hai. To prepaid expense तुम्हारा इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है? एसेट. कौन सा एसेट? करंट एसेट्स. क्लियर है ये वाला चीज? ट्रांजैक्शन क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? क्या व्हिच विल अफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अवर बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन. इवेंट क्या है? रिजल्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट. ठीक है, उसके बाद बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या था? बस हाँ, कुछ मैं सब कर दिया. ठीक ही बोला था. बिकॉज ऑफ, यस, बिकॉज ऑफ विच कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस. इज इट क्लियर? क्या हो गया अचानक? तुम लोग क्या करके आया बाहर? आ जाएगा नहीं? अच्छा क्लियर है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्लियर है. व्हाट डू मीन बाय कैपिटल?
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसीट्स? नॉन रेकरिंग इन नेचर एंड दीज आर लायबिलिटीज. एग्जाम्पल बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स. लोन लोन ऐसे नहीं, छोटे मोटे लोन नहीं, बैंक लोन या फिर यू कैन से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था? रेकरिंग इन नेचर, उसको अपन इनकम मानता है. एग्जाम्पल सैलरी कहां मिलता है? कमीशन, सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट रिसिप्ट. दीज आर ऑल माई रेवेन्यू रिसिप्ट. बाकी लोग पढ़ के आओ, ऐसे देख रहे हो कब बता तो बाकी लोग कहां से बोल रहे हैं? स्पेशली पढ़ के आए क्या? मेरे से व्हाट्सएप में ट्यूशन लिया था इन लोग. अरे भाई पढ़ के आओ, पढ़ के आओ. क्लियर है? व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट? व्हाट वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर कब से रेकरिंग हो गया? नॉन रेकरिंग इन नेचर एसेट्स. ठीक है? एग्जाम्पल परचेज ऑफ, पूरा देख देख के बोल रहे हैं, परचेज ऑफ मशीनरी. ठीक है? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, ये सब तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. राइट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेकरिंग इन नेचर एक्सपेंस. ठीक है? एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, परचेज ऑफ गुड्स, बिल्स इज नॉट एन एनी एक्सपेंस. बिल कैसे एक्सपेंस है? समझा नहीं. बिल मतलब कहना क्या चाह रहा था? बिल एग्जाम्पल नहीं समझा. बोलो एग्जाम्पल फिर से. बिल्स मतलब क्या एक्सपेंस हुआ? क्या चीज का बिल? हाँ तो उस एक्सपेंस का नाम बोलना पड़ेगा ना. जैसे स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ लोग को तुमने खाना खिलाया रेस्टोरेंट ले जाके, तो दैट इज स्टाफ वेलफेयर. तो एक एक्सपेंस का नेम होगा. बिल इज जस्ट अ सोर्स डॉक्यूमेंट. बिल तो एक डॉक्यूमेंट है. इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. रेंट का बिल, ठीक है चलो यहाँ तक समझ आया. रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ तक दिक्कत नहीं है. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्लियर था. व्हाट डू यू मीन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट? If something is debited, then other needs to be credited. Because of this concept, asset is equals to liabilities plus capital. Tell me the qualitative attributes of accounting information. Reliable, relevant, understandable, comparable, faithful presentation. What do you mean by reliability of an information? It should be supported by convincing evidence. Then an information becomes reliable. Relevant ka matlab? In business, we will record transaction related to business. Baki koi bhi baatein hai idhar udhar ka nahin. Theek hai. Then understandable. It should be in a, such a language which is easily understood by all the users of accounts. Theek hai. Then comparable. ठीक है, perfect. Then who are the users of accounts? Internal, external. Internal में owners and management. External ये बोला भाई, कब से बोला? कुछ नहीं बोल रहा तू. तुम ए वो मखोटा हटाओ तो पता चलेगा कुछ बोलता है या नहीं बोलता है. तुम कोई बात नहीं, हम लोग को वायरस नहीं फैलता है, तब पता चलेगा वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है. ठीक है? दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या था? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट In a business, we record only those transactions which can be measured in terms of money. ठीक है? यानी
एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वी ओनली रिकॉर्ड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड वी इग्नोर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. दैट वॉज माई मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. वट डू मीन बाय कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट? हाँ, बाकी लोग क्या हुआ? कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था. बर्थडे का एग्जाम्पल लिया था, लॉटरी का एग्जाम्पल लिया था. यस, एज पर कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट वी एंटीसिपेट ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट वी इग्नोर फ्यूचर इनकम्स एंड गेन्स. सो टेल मी, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट डैश. Which lower? Market and Yes. Cost price or net realizable value, whichever is lower. Closing stock is valued at cost or NRV, whichever is lower. Because of which concept? Prudence concept. Clear है यहाँ तक समझ में आया? Accounting का definition वगैरह clear था? इतना कुछ हमने ओवर द दीज डेज हमने पढ़ा, और भी कुछ कुछ पढ़ा होगा, बट ठीक है. अभी देखो, लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड कि अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या है, राइट? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन. दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स, राइट? अब देखो क्या होता था, आप अभी पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि आज से 1960s में या 50s में एडुकेशन इतना था क्या? पुराने जमाने में लोग क्लास 12 तक भी इतना पढ़ते थे क्या? नहीं. बहुत लिस्ट नंबर ऑफ लोग थे. बट क्या उस टाइम बिजनेस नहीं होता था क्या? क्या हिसाब उस टाइम नहीं रखते थे उन लोग? रखते थे. क्या उस टाइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स थे? तो हिसाब कैसे रखते थे? मैनुअल बुक्स, मैनुअल बुक्स, राइट? बुक्स में रखते थे. कभी वो बुक्स देखा है, रेड कलर का बुक्स होता था, लेजर्स वगैरह, ऐसे खाता जिसको बोलते हैं, नॉर्मल बेसिक टर्म में बोलूं तो खाता, राइट? तो पुराने जमाने में या फिर पुरानी मूवीज के अंदर में आपने देखा होगा, एक सेठ जी होते थे, बहुत पैसे वाले, वो लोगों को पैसा देते रहते थे, करते रहते. उनका हिसाब रखने के लिए एक आदमी होता था, बूढ़ो, चश्मा ऐसे लटकता रहता था, सेठ जी के पीछे पीछे बुक लेके चलता रहता था. कौन तो था वो? मुनीम जी, राइट? मुनीम जी. तो बेसिकली मुनीम जी क्या करते थे? सेठ जी का अकाउंटिंग करते थे. बट आपको लगता है मुनीम जी को सच में अकाउंटिंग का नॉलेज पूरा था? मुनीम जी को इतना पता है कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ है, उनको टर्म्स नहीं पता, राइट? बट उनको ये पता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन है, राइट? एंड इसको मुझे लिख के रखना है, लिखना है अच्छे से. मुनीम जी लिख लेते थे, लिखने का मतलब रिकॉर्डिंग, मुनीम जी को वो आता था. फिर मुनीम जी से सेठ जी पूछते थे, अरे बताना वो बहादुर जी से कितना पैसा लेना है, तो मुनीम जी उसका फाइल खोल के बता देते थे. उतना तक मुनीम जी को आता था. लेकिन मुनीम जी को बोला जाए, मुनीम जी आप ट्रायल बैलेंस बना के दीजिए ना, आप बैलेंस शीट बना के दीजिए ना, ना हो पाए. मुनीम जी के बस का रोग नहीं है. उसके लिए कम से कम थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, एटलीस्ट 11-12 कॉमर्स पढ़ा हुआ जिसको नॉलेज है, या फिर ग्रेजुएट बंदा चाहिए अपने को जो ये काम कर सके. यानी देर इज अ गैप बिटवीन अकाउंटिंग का. पूरे प्रोसेस की बात करूं तो देर आर कैटेगरीज ऑफ पर्सन जो अपना काम करते हैं. पुराने जमाने का मुनीम जी becomes the accountant of present era. पुराने जमाने का मुनीम जी becomes the modern accountant of present era, right? Accountant से उसको हम लोग बोलते हैं accounting. Is it clear? उसको accounting आता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं accountant. But accounting से भी ऊपर एक step है. आपको पता है interpretation and communication? वहां क्या करना होता है? Users को communicate करना होता है. But BCom graduate को ये नहीं आता. उसको बैलेंस शीट पीएनएल बनाना आता है, बट कम्युनिकेशन वाला पार्ट उसको समझ में नहीं आता, एंड चेकिंग करना उसको नहीं आता. दैट्स व्हाई ऐसा बंदा चाहिए था जिसको पूरा अकाउंट्स का नॉलेज हो, यानी अकाउंटेंसी का नॉलेज हो. अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी के अंदर आता है अकाउंटिंग. आप पहले 11-12 में अकाउंटिंग करना सीखते हैं, फिर जब आपको अकाउंटेंसी का नॉलेज चाहिए तो हमारे इंडिया में थर्ड हाईएस्ट टफेस्ट डिग्री है सीए, तब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो. उनका नाम भी क्या रखा गया? अकाउंटेंट है. तो वो भी अकाउंटेंट, उनको मुनीमगिरी करना आता है,
डेबिट क्रेडिट सब कुछ आता है, बट उनको एक हायर स्टेप आता है, दे हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी. इज इट क्लियर? तो बेसिकली तीन चीज है. एक है मुनीम जी पुराने जमाने के, जो क्या करते थे, बुक्स को मेंटेन करते थे, उसको अपन बोलते हैं बुक कीपिंग. मुनीम जी का जमाना वाज बुक कीपिंग. देन मॉडर्न एरा आया विद सर्टेन एडिशन इन नॉलेज, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग. एंड इस दोनों का नॉलेज विद सम हायर नॉलेज, उसको अपन बोलते हैं अकाउंटेंसी. व्हेन यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग विद सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, इट इज नोन एज अकाउंटेंसी. क्लियर है? समझ में आया? अब मुनीम जी कहां तक काम कर सकते हैं? मेरे कुछ सर्टेन स्टेप्स है. मुनीम जी सेकंड स्टेप तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था उनको. सेकंड स्टेप क्या था? वैसे नहीं, रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करते हैं. रिकॉर्डिंग इज माय फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, जब मैं एक्चुअल में लिखना स्टार्ट करता हूं, राइट? उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? बस मुनीम जी को यहां तक आता है. इसके आगे का जो स्टेप है, देयर वी नीड अकाउंटेंट. इज इट क्लियर? तो दैट इज अकाउंटिंग, समराइज, एनालाइज, ठीक है, एंड बाकी चीजें सब कुछ अकाउंटिंग के अंदर आ जाएगा. तो मुनीम जी का डेफिनेशन आपसे कोई भी पूछे तो क्या लिखोगे? मुनीम जी मतलब बुककीपिंग. बुककीपिंग का डेफिनेशन क्या बना? इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. वहां तक तो सेम ही है. इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग. खत्म मुनीम जी का डेफिनेशन. दैट इज बुककीपिंग. क्लियर है? बट इसका हायर वर्जन में जितने भी स्टेप है वो एड कर दू, देन इट इज नोन एज अकाउंटिंग. क्लियर है? तो एक बात बताओ, मुनीम जी बनने के लिए बहुत ज्यादा हाई लेवल का नॉलेज चाहिए क्या? क्या पुराने जमाने में इतना था क्या? यानी बेसिक एवरेज नॉलेज के साथ, लो लेवल नॉलेज के साथ भी आप रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग कर सकते हो, बट समराइजिंग और एनालाइजिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉपर थोड़ा सा नॉलेज चाहिए. क्लियर है? आपको थोड़ा हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए. तो मैं ऐसा बोलूं, हमारे बिजनेस का जो बुक कीपिंग का काम है वो तो एक जूनियर स्टाफ भी कर देगा, जूनियर बंदा विद अ लो लेवल नॉलेज. बट टू डू मोर देन दैट टू स्टेप्स, मुझे क्या चाहिए? सीनियर स्टाफ चाहिए, जिसको थोड़ा सा नॉलेज हो अकाउंटिंग का. इज इट क्लियर? एंड मुनीम जी वाला काम डेली बेसिस पे है, और जो बाकी के स्टेप्स है वो डेली बेसिस पे नहीं होते. क्योंकि देखो, रिकॉर्डिंग तो डेली करना पड़ेगा ना. बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगा, उसको डेली रिकॉर्ड करोगे, फिर उनको सेपरेट फाइल्स में भी लिखना पड़ेगा. लेकिन एक फाइल का टोटल बैलेंस क्या हर दिन निकालते हैं क्या? वो तो इधर एवरी क्वार्टरली थ्री मंथ्स में, या फिर हाफ ईयरली, या फिर नॉर्मली क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर. तो यानी मुनीम जी का काम जो है, यानी बुक कीपिंग जो है, इट्स ए रूटीन वर्क, वेयर एज अकाउंटिंग इज अ क्या है, एनालिटिकल वर्क, जहां पे थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, एनालिटिक्स चाहिए. जैसे कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हम क्या करते हैं? राइट साइड में एसेट्स लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज लिखते हैं, फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को भी बाइफर्केट कर देते हैं, नॉन करेंट, करेंट करके. तो ये सब क्या है? एनालिटिक्स है. तो वो चाहिए आपको. बट वेयर इज मुनीम जी वाला काम में क्या? इट्स अ रूटीन वर्क, डेली बेसिस पे करना है. समझ में आया? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. क्लियर है? तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है? सिंपल सा बोलो ना, अकाउंट्स का डेफिनेशन का क्लासिफाइंग तक बुककीपिंग है. एंड इसके साथ और एड ऑन कर दूं मैं बाकी स्टेप्स को, देन इट बिकम्स अकाउंटिंग. अकाउंटिंग खत्म होने के बाद इसके बाद मैं अकाउंट्स के सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऐड कर दूं, देन इट बिकम्स अकाउंटेंसी. इज इट क्लियर? आई बात समझ में? लिखना डिस्टिंग्विश बिटवीन bookkeeping and accounting.
ऐसा क्या मौसम हो गया, 37-38 डिग्री टेम्परेचर था रात को, अलग जोश है। नंबर वन, बुककीपिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन विच कैन बी measured in terms of money. Bookkeeping means identification of transactions which can be measured in terms of money. ये चल रहा है क्या? It includes क्या क्या आएगा इसमें? Yes, recording and classifying. यानी वो जो बाइक खाता जो लेके पीछे पीछे सेठ जी के पीछे भागता था वो होता था बुक कीपर, उसी को अकाउंट्स में अपन बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या आएगा? वो सब कुछ सेम ही है। अलोंग विथ बुककीपिंग अलोंग विथ बुककीपिंग इट इंक्लूड्स क्या क्या आ जाएगा बाकी स्टेप्स? समराइजिंग, वो क्यों लिखना है? बुककीपिंग लिख लिया ना अलोंग विद बुककीपिंग, तो यानी बुककीपिंग के स्टेप्स तो होंगे अकाउंटिंग में, बट बाकी तीन स्टेप्स रह गए मेरे, कौन से कौन से? इट इंक्लूड्स समराइजिंग एनालाइजिंग एंड interpretation and communication of the results thereof dictate kar deta hu. Along with bookkeeping it includes summarizing, analyzing, interpretation and communication of the results thereof. ठीक है, basically जब accounts की definition को दो हिस्सों में बांट दो तो पहला दो step में आ जाता है मेरा bookkeeping, and जब उसके साथ आप बाकी steps add कर दो it becomes accounting. Is it clear? और इसके साथ साथ accounts के बाकी rules and principles जो भी है वो आप add कर दो तो it will become accountancy. ठीक है, bookkeeping के अंदर लिखना इट इज परफॉर्म बाय, कौन करता है ये? यस, इट इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ, वेयर एज अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ. तो कौन सा मेरा फर्स्ट स्टेप है और कौन सा सेकंड, यानी कौन सा मेरा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी है? बुककीपिंग प्राइमरी स्टेप हो गया, वेयर एज अकाउंटिंग सेकेंडरी. सो बुककीपिंग इज अ, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज अ
सेकेंडरी स्टेज, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज. रूटीन वर्क कौन सा है? इट इज अ रूटीन एंड क्लैरिकल रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर. इट इज अ रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर. वेयर इज वो क्या है? एनालिटिकल. इट इज अ एनालिटिकल इन नेचर. नॉलेज, नॉलेज किसमें ज्यादा चाहिए? यस, तो इसमें लिखे इट रिक्वायर्स नो नॉलेज, लो लेवल ऑफ नॉलेज या लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज. लो लिखो या फिर लिमिटेड. It requires low or limited level of knowledge. Whereas it is performed by persons having, it is performed by persons, it is performed by persons having higher level of knowledge. Bookkeeping starts when accounting ends? Question mark. Bookkeeping starts when accounting ends? Fools. ध्यान रखना. स्कूल में बहुत बार पूछते हैं. स्कूल का कुछ कुछ स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन होता है. True or false में. Accounting starts when bookkeeping ends. ये ध्यान रखना. ठीक है. कभी भी पहले बुककीपिंग अकाउंटिंग नहीं होगा और बाद में बुककीपिंग नहीं होता है. पहले बुककीपिंग, उसके बाद में अकाउंटिंग का काम होगा. इज इट क्लियर? अब एक बात समझो, हम लोग इतने दिन से अकाउंटिंग अकाउंटिंग के बारे में समझ रहे हैं. हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर चल रहा है, भैया अकाउंट्स का मतलब हो गया बिजनेस में जो अकाउंटिंग होता है, जिससे हम हमारे बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी पता कर लें और फाइनेंशियल पोजिशन पता चल जाए. बस यही अकाउंटिंग है. इस अकाउंटिंग को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बट अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, और भी बहुत सारा तरीके का अकाउंटिंग होता है. आपके अकॉर्डिंग क्लास 12 के बाद कॉमर्स में क्या क्या स्ट्रीम, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरीट, सीएमए. सीएमए का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी वो भी तो एक अकाउंटिंग है, राइट? मेरे हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई काम ही नहीं होता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई काम ही नहीं होता इफ दुनिया में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होता. व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? कोई भी प्रोडक्ट को कितने रुपए में आपने बनाया, टू आइडेंटिफाई दैट वी नीड कॉस्ट अकाउंटिंग. टू आइडेंटिफाई अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लेट्स से सपोज आपने अपनी अकाउंट्स की बुक परचेज करी, उसमें एक एमआरपी लिखा हुआ होता है ना, दैट इज द सेलिंग प्राइस. वहां तक पहुंचे कैसे? सबसे पहले उन्होंने ये देखा होगा ना कि मेरे को बनाने में कितना पैसा लगा उसको,
एंड देन प्रॉफिट मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सब कुछ लगाने के बाद में सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है ना, यानी जब तक आपको एक प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं पता तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट ही नहीं होगा. इज इट क्लियर? तो वन ऑफ द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग. व्हाई वी यूज कॉस्ट अकाउंटिंग? टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. दैट इज द वर्क ऑफ CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. उन लोग फैक्ट्री लेवल पे आपका काम करते हैं. इज इट क्लियर? दैट इज वन ऑफ द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग अलग अलग तरीका है. जो आप एक नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस में अकाउंटिंग देखते हो ना, टेली का सॉफ्टवेयर एंड छोटा मोटा सॉफ्टवेयर में, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्लियर है? तो एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, देन एक होता है टैक्स अकाउंटिंग. जस्ट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, जो मॉड्यूल्स हम यूज करते हैं, दैट इज टैक्स अकाउंटिंग. क्लियर है? तो तीन पद समझ में आया. एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी नॉर्मल बिजनेस का अकाउंटिंग, वेयर वी आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. और एक सब फील्ड क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग. क्यों करते हैं हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता चल जाए, राइट? देन एक था टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, कब पे करना है, वो पता करने के लिए वी यूज टैक्स अकाउंटिंग. फिर एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कोई बता सकता है इसमें क्या होगा? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कंपनीज का मैनेजमेंट किसको बोलते हो तुम लोग? तुम्हारे स्कूल में भी एक मैनेजमेंट होता है ना. मैनेजमेंट इज दैट हायर अथॉरिटी पर्संस हु आर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन. एंड उन लोग वेल्ले नहीं बैठे, उनके पास बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज है. लेट्स सपोज अंबानी जी है, उनकी इतनी सारी कंपनियां हैं. इफ वो हर एक कंपनी का डिटेल में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखने बैठेंगे तो शायद 4-5 साल तो उनको अपनी सारी कंपनीज की अकाउंटिंग देखने में चला जाएगा. डिसीजन तो दूर की बात है कि किस कंपनी में और कितना इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी को एक्सपांड करना है, किस कंपनी को मुझे शट डाउन कर देना चाहिए, वो डिसीजन कभी ले ही नहीं पाएंगे. आपको लगता है कि उनके अकाउंटेंट आके उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रेजेंट करते होंगे? तो क्या करते होंगे वो जब अपने ऑफिस में बैठते हैं? उनको एक साथ 15-20 कंपनी के बारे में जानना है फटाफट में चाहिए. उनके पास समय नहीं, आधा घंटा में इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दैट ही कैन डिसाइड एट दैट मोमेंट कि मुझे कौन सा कंपनी शट डाउन करना है, किस कंपनी में थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी के मैनेजर को और टारगेट देना है. क्या करते होंगे उन लोग? आप लोग प्रोजेक्ट्स में पाई चार्ट, फ्लो चार्ट ये सब यूज करते हो? क्यों करते हो? सो दैट शॉर्ट में अच्छे से आप डेटा को समझा सको. डिटेल चाहिए फिर तो पूरा बुक्स चेक करना पड़ेगा, बट इतना टाइम है क्या मैनेजमेंट के पास में कि वो डिटेल में चेक करे? उनको जब शक होगा ना, डाउट होगा, तब वो डिटेल में चेकिंग करते हैं. अदरवाइज व्हाट दे डू, वो समराइज्ड वे में चीजों को चाहते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स आप अपने बिजनेस के डेटा को पुट करते हैं. दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. समझा? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन सच ए वे दैट इट इज मोर कन्वीनियंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स. ठीक है? ग्राफ्स, टेबल्स, वो सब बना के आप प्रेजेंट करते हो, तब जाके मैनेजमेंट के लिए इजी हो जाता है. अच्छा ठीक है, वो क्या करेंगे, पूरा ग्लोब बना देंगे. ग्लोब के अंदर सर हमारा बिजनेस इतना परसेंट है, बाकी कंपनी का इतना है, इस एरिया में हम लोग अभी बिजनेस नहीं कर रहे. तो फिर उनको अंबानी को देखो, क्यों इस एरिया में क्यों नहीं कर रहे, इतना परसेंट सेक्टर है वहां पे कस्टमर का, हम लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे, तब फिर उनसे रिप्लाई आएगा, फिर वो डिसाइड करेंगे ना. लेकिन इंडिविजुअल बिजनेस का यदि वो अकाउंट्स चेक करने बैठेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे. उनको 5-6 साल लग जाएगा, जितनी कंपनियां उनकी है ना और जितने बड़े बड़े फिगर्स है उनको देखने में 5-6 साल तो चले जाएंगे, जब तक तो टाइम नहीं चला जाएगा, राइट? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, वी प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच ए वे, समराइज वे में, दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर द मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स. चार्ट्स वगैरह यूज करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है? और एक अकाउंटिंग होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जिसको अपन बोलते हैं HR अकाउंटिंग, राइट? कहीं पे भी आपको फ्यूचर में जॉब लेना है तो आप सीधा क्या जाके मालिक के पास जाओगे क्या? तो क्या करना होगा? देयर इज अ प्रोसेस. क्या प्रोसेस होता है?
पहले कंपनी में आप अपना सीवी फॉरवर्ड करोगे, कंपनी में ये सीवी फॉरवर्ड किसको करते हो? एचआर टीम, ह्यूमन रिसोर्स टीम को। खिड़की भी खोल सकते हो, खोल दो, तो लाइट नहीं है ना, खोलो ना थोड़ा थोड़ा। पता नहीं मॉस्किटो आया तो आया, बट थोड़ा हवा पास में। पीछे वाला खिड़की भी खोलो ना। अच्छा व्हाट एवर सेइंग, अरे खोल दो रे, एक जन कितना टाइम लगता है, सोच रहा है, टॉस करेगा क्या उसके लिए? एचआर अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसमें क्या होता है? तो मैंने क्या बोला, आप लोग क्या सीवी फॉरवर्ड करोगे अपना? सीवी किसको फॉरवर्ड करते हो? एचआर टीम को फॉरवर्ड करते हो, क्लियर है? अब ये एचआर टीम क्या करती है, आपको इंटरव्यू के लिए अपॉइंट करती है, देन आपका इंटरव्यू होता है एंड देन आपका अपॉइंटमेंट होता है। तो सोचो बड़ी बड़ी कंपनी में जहां पे 100, 200, 500, thousands ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कभी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है, कभी कोई छोड़ के जा रहा है, एंड एवरी एम्प्लॉय हैज अ डिफरेंट पे स्केल, सबका सैलरी तो एक जैसा नहीं होगा, एंड कभी कोई प्रेजेंट है, कोई एब्सेंट है, वो डेटा, किसी को बोनस मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो इतना कुछ डेटा मेंटेन करना रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, तो दैट इज मेंटेन इन माय एचआर अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, क्लियर है? तो बेसिकली देयर आर 5 सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा? नंबर 1 जो हमारे दुकान में बिजनेस में देख रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, क्लियर है? तो लिखना सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। नहीं, यदि आपसे पूछ लिया डेफिनेशन तो अपने आप से बना के लिख देना, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर में, बस आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि अकाउंट्स का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, देयर आर डिफरेंट अकाउंटिंग आल्सो, ठीक है? सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड्स और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, एक होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके अंदर अपन क्या क्या करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं। हाँ, सीएफए बेसिकली वो नहीं करता, पता है? सीएफए एनालिस्ट है, वो चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, वो अकाउंटिंग नहीं करता, वो आपके अकाउंटिंग डेटा को एनालाइज करता है, एनालिसिस का काम करता है, उसका काम कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड है ही नहीं, सीएफए अकाउंटिंग सीखता ही नहीं, वो आपके कंपनी के डेटा को एनालाइज करता है या फिर बहुत सारी कंपनीज के डेटा को एनालाइज करता है और फिर इन्वेस्टर को बताता है कि आपका पैसा कहां लगाना चाहिए, आप इस कंपनी में लगाओ या नहीं लगाओ, राइट? दैट इज सीएफए का काम है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर हमने एक पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्या 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 दाम सेट करने के लिए नहीं, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो गुड्स बना है उसका कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए वी यूज कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लियर है? फिर एक और क्या था, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है वो सब पता करने के लिए वी यूज टैक्स अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें क्या होता है? एक्चुरियल साइंस आर द वैल्यूअर्स, साक्षी एक्चुरियल साइंस आर द वैल्यूअर्स, बेसिकली उनका मेजर काम इंश्योरेंस सेक्टर में, वो बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को प्रेडिक्ट करते हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज को प्लान्स बताते हैं, दैट इज द वर्क ऑफ एक्चुरियल साइंस।
दीज आर द वैल्यूअर्स, उनका उनके अलावा और कहीं काम नहीं है। बड़े बड़े हाई लेवल इकोनॉमिस्ट का कुछ काम हो गया, या फिर कोई भी बड़े इंश्योरेंस सेक्टर में, एक्चुअरियल साइंस का मेन काम इंश्योरेंस सेक्टर में। आज आप देखते हो कि आपका हर टाइप का इंश्योरेंस हो सकता है, एंड फॉर एवरी इंश्योरेंस उनके अलग प्रीमियम्स होते हैं, अलग ड्यूरेशन होता है। वो जो कैलकुलेशन है वो डिफाइन करना है कि उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, कितना ड्यूरेशन रखना चाहिए, दैट इज द वर्क ऑफ एक्चुअरियल्स। ठीक है, एक्चुअरियल साइंस, एक्चुअरीज, यस, मैथ्स एंड स्टैट्स, मेजर पोर्शन उधर मैथ्स और स्टैट्स। किसी को भी एक्चुअरीज करना है तो उसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी वो आप एक्चुअरीज कर सकते हो। यदि आपको मैथ्स से प्यार नहीं है तो भूल के भी सोचना मत कि आपको एक्चुअरीज करना है। मैथ्स, स्टैट्स, ये दो पोर्शन आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और क्या पढ़ा हमने मैनेजमेंट में, क्या था बताया नहीं तुम लोगों ने? इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स, वो सब ग्राफ्स वगैरह यूज करके, दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा डेटा रहेगा। एंड द लास्ट वन वॉज सोशल, CSR वर्ड यूज किया था ना मैंने, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कि कितना पैसा सोसाइटी के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना था, हाउ मच यू हैव एक्सपेंस फॉर दैट, एंड वो सारा हिसाब किताब जो होता है वो होता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्लियर है, समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में? तो कोई भी आपसे पूछे कि अकाउंट्स में सिर्फ क्या प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होता है, क्या नहीं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल रहे हो तो ये भी एक अकाउंटिंग है। गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है वो फाइंड आउट करना इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। कितने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज है, किसको कितना सैलरी मिल रहा है, कब ज्वाइन किया, कब छोड़ के गया, वो सारा जो डेटा मेंटेन करते हो, दैट इज ऑल्सो एन अकाउंटिंग। देन सोसाइटी के लिए आपको क्या क्या एक्सपेंस करना था, कितना किया, कितना नहीं किया, ये सारा इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एन अकाउंटिंग। इज इट क्लियर? तो दीज आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। कोई प्रॉब्लम यहां तक? मुझे एक बात बताना, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ एसेट? आपने पढ़ा था, यानी ऐसा कोई भी चीज जो आपको या तो बेनिफिट दे या आपको कैश दे फ्यूचर में, या मेरे कॉस्ट को रिड्यूस करे, वो मेरे लिए एसेट है। राइट, यही एसेट का डेफिनेशन पढ़ा था। या तो वो मुझे कैश देगा, जैसे डेटर्स फ्यूचर में मुझे कैश देगा, राइट, देन बेनिफिट्स देगा, मशीनरी, प्रोडक्शन जल्दी जल्दी होगा तो मेरा सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, तो बेनिफिट्स दे रहा है। रिड्यूसेस कॉस्ट, पैकिंग मशीन, दैट विल रिड्यूस माय कॉस्ट, ये सब मेरे लिए एसेट का डेफिनेशन है। क्लियर है? बट मैं ऐसा बोलूं, एक एसेट ऐसा भी होता है विच कैन नॉट बी रियलाइज इन टू कैश, विच कैन नॉट बी रियलाइज इन टू कैश, नीदर इट विल गिव मी बेनिफिट, ना तो बेनिफिट देगा ना ही कैश रियलाइज करके देगा, स्टिल आई एम सेइंग इट विल बी माय एसेट। ऐसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट, मतलब नाम का एसेट है, नथिंग मोर देन दैट। उसका मेरे धंधे में कोई काम ही नहीं है, एक पॉइंट तक मेरे बिजनेस में रहेगा और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। राइट, पहले लिखना फिक्टिशियस एसेट होता क्या है, फिर लिखाऊंगा आगे क्या होता है क्या नहीं। Fictitious asset, FICTITIOUS, fictitious asset, FICITITIOUS, FICITITIOUS, अरे इतना पता होगा, fictitious asset,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो तुम्हारा खर्चा हो ही गया, उसको तो एक्सपेंस ही मान लेते हैं। हाँ तो खर्चा होगा ना, उसको तो हम उसी साल एक्सपेंस मान लेते हैं। तब वो तुम्हारा इनटेंजिबल एसेट्स बन जाता है, फिक्टिशियस नहीं बन जाता। जिस दिन नो 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 फेक एसेट्स बोल के नहीं, समझो अकाउंटिंग रूल्स की वजह से ये पैदा हो जाता है। फिक्टिशियस एसेट्स आर बॉर्न बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग रूल्स। समझो क्या होता है, सपोज सुन लो ना, मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है, मेरे को तुम लोग से ज्यादा थोड़ा सा, इतना सुन तो सुन सकते हो मेरे को। लेट्स सपोज किसी कंपनी ने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस किया अमाउंटिंग टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस किया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बाकी किसी का रिप्लाई नहीं, एक दो ही आंसर दिया। फिर से सोच लो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल कैपिटल, हु आर विद कैपिटल? ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता था, विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, यानी वंस इन अ ब्लू मून, 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार होने वाला खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आज के डेट में बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट 3 साल 4 साल 5 साल में एक बार करते हो क्या? यस, इट्स अ एड। क्या देखते हो टीवी में, क्या हो रहा है वो एडवर्टाइजमेंट ही तो है। आप नायका के एड देखते हो, ठीक है, फिर इंस्टाग्राम में जो एड्स रन होते हैं वो भी तो एक एडवर्टाइजमेंट है, फेसबुक में एड्स रन होते हैं वो भी एक एडवर्टाइजमेंट है। देन आप टीवी में कुछ भी देखो, पार्ले का एड आता है, पतंजलि का, वो सब क्या है, दीज आर ऑल एडवर्टाइजमेंट। तो फिर से बताओ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? हर कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कुछ कंपनी डेली बेसिस पे करता है, कुछ मंथली करता है, कुछ क्वार्टरली करता है, कुछ हाफ ईयरली करता है, कुछ एनुअली करता है, लेकिन हर साल ये खर्चा तो होना ही है बिजनेस में। बिजनेस ग्रो ही नहीं कर सकता विदाउट एडवर्टाइजमेंट, वी नो द फैक्ट। कोई भी प्रोडक्ट को ग्रो करना है तो एडवर्टाइजमेंट तो होता ही है ना। हाँ हाँ, मत करो, तब तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ही नहीं आएगा, तो मेरा कंसेप्ट भी नहीं आएगा। आपके बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ही नहीं है तो ये कंसेप्ट भी नहीं आएगा। आई एम टॉकिंग जहां पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, और ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो आज के डेट में एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस नहीं करता। हर ब्रांड अच्छा खासा एक्सपेंस कर रहा है, राइट? एंड बिमल को ही देख लो, 3-3 लोगों को ले लिया जुबा केसरी करके, ठीक है, ऐसे नहीं किया, मैं ऐसे किया, गलत वाला बात बोलता है, हा? चार, अब तो वो भी आ गया, क्या नाम है, टाइगर श्रॉफ। तो सोचो इतना बड़ा एक्सपेंस कर रहा है, और ये हर साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एमआरएफ विराट कोहली को साइन अप करता है, ठीक है, प्यूमा भी करके रखता है, रोनाल्डो को साइन करते हैं उन लोग, तो ये सब क्या, इट्स अ ह्यूज एक्सपेंस। अब सोचो इतना बड़ा खर्चा मैं अपने पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने में पूरा का पूरा करंट ईयर में काउंट कर लूं, तो मेरे बिजनेस में प्रॉफिट दिखेगा क्या? ये एक्सपेंस बहुत बड़ा वैल्यू का होता है एडवर्टाइजमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ अ बिजनेस। जिसका जितना साइज का बिजनेस है वो उसी हिसाब से एक्सपेंस करता है। तो मैंने एग्जांपल लिया था 5 लाख का आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, बट आपको लगता है ये पूरा 5 लाख रुपए जो करंट ईयर में एक्सपेंस कर चुके हो। थोड़े आप लोग को याद होगा क्या, थोड़े टाइम पहले जब आसाम के अंदर में एक होर्डिंग्स लगी थी, टाइगर आ रहा है, टाइगर आ रहा है, टाइगर आ रहा है, किसी को भी याद है, रस्ते में चलते फिरते आते जाते हर जगह लिखा हुआ था टाइगर आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये टाइगर है क्या, ये टाइगर बिस्किट आ रहा है ना क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन होर्डिंग्स चेंज हुआ, टाइगर सीमेंट, दैट वाज एन एडवर्टाइजमेंट स्किल्स। ये मैजेस्टी जो बिल्डिंग का वो आ रहा है, तो उसमें फिर एम्फोर्ड मैग्निफिसेंट, एम्फोर्ड मार्टर्स ऐसे करके पोस्टर्स, तो पोस्टर्स लगाते ना बहुत बड़े लेवल में लगता है ये पोस्टर्स। आपने देखा होगा SPMIS एकेडमी, नेक्स्ट लेवल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनका मंथली बजट एडवर्टाइजमेंट का 25-30 लाख रहता है।
हाँ उनके पास 1000+ स्टूडेंट है, मतलब उससे भी ज्यादा स्टूडेंट है, बहुत स्टूडेंट है उनके पास, हाँ अलग अलग जगह भी। तो ये SPM IAS Academy इतना बड़ा कैसे हुआ? आई नो द हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड एवरीथिंग, ठीक है, बट ये बड़ा हो कैसे रहा है? बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। इतना बड़ा चंक अमाउंट यदि आप एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट किड्स, बट एवरेज किड्स एंड एवरेज फैमिली वो एडवर्टाइजमेंट देख के ही एडमिशन करवाते, ठीक है, वो आप नहीं देखते कि क्या था क्या नहीं था, बट आप एडवर्टाइजमेंट देख के उसमें जंप करते हैं। आप प्रोडक्ट्स भी तो वैसे ही यूज करते हो, इसने यूज किया, उसने यूज किया, एड में वो भी यूज करती है, वो क्या नाम है, फेयर एंड लवली का एड आता है तो इतना वो ऑलरेडी गोरी और क्या गोरी होगी, यामी गौतम, उसको तो पहले काला करो, ऐसा कोई साबुन लाओ जिससे काला हो सकता है, ठीक है। जस्ट एक सेकंड, अच्छा ठीक है, कोई एक चीज कर लो, फैन ऑन कर लो या लाइट, मेरे को सुन लो खाली, ठीक है, कंसेप्ट को समझ लो कि क्या होता है, कंसेप्ट समझ लो खाली, मेरे को सुन लो, मैं दिखूंगा। हाँ ये तो बंद ही है ना, ये ऑन है, लेकिन ये इतना नहीं खाता हूं, अलग लेवल चल रहा है। अरे सुनो, सो बेसिकली क्या था कि टाइगर आ रहा है, हर जगह होर्डिंग्स लगवा दिया, पक्का कुछ नहीं क्या हुआ है? अरे 5 मिनट दो खाली, मुझे 5 मिनट तो कंसेप्ट समझाने दो, फिर टाटा बाय बाय कर दो। बहुत खा जाएगा तुमको, पहले लेके आओ तुम। अच्छा सुनो, तो होर्डिंग्स लगा दी, खर्चा हो गया, अब एक बात बताओ, क्या ये होर्डिंग्स वापस रीसेल हो गई क्या? एक्सपेंस तो हो गया ना, वैसे ही हमने क्या किया, 5 लाख का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, बट द प्रॉब्लम इज दैट सपोज हमारा बिजनेस अभी स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है, हमने 5 लाख का एक्सपेंस कर दिया, पता नहीं करंट ईयर में हम कितना सेल्स करेंगे, क्या प्रॉफिट होगा, अभी पूरा का पूरा 5 लाख का एक्सपेंस तो हो चुका, इट कैन नॉट बी अगेन कन्वर्टेड इनटू कैश। इफ मैं पूरा 5 लाख का एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज कर दूं तो मेरा प्रॉफिट बहुत गिर जाएगा ना, और मेरे कंपनी में इन्वेस्टर लोगों ने पैसा लगाया होगा, उनको क्या लगेगा, ये कंपनी में तो फालतू पैसा लगा दिया, नाउ दे विल स्टार्ट विथड्रॉइंग देयर मनी एंड फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा इन्वेस्टर का। तो क्या करते हैं कि मैं एक काम करता हूं, ये 5 लाख का एक्सपेंस 5 साल में दिखाता हूं अपने बुक्स में, एक एक लाख करके, राइट, फर्स्ट ईयर में 1 लाख एक्सपेंस दिखाऊंगा, मेरा बैंक से 5 लाख का अमाउंट गया, क्लियर है, तो पैसा तो जा चुका है, एक्सपेंस हो चुका है, बट मैं एक्सपेंस कितना मान रहा हूं करंट ईयर में, 1 लाख, आई विल स्प्लिट द एक्सपेंस इंटू 5 ईयर्स, 5 लाख के एक्सपेंस को मैं क्या करूंगा, 5 साल में स्प्लिट कर दूंगा, पहले साल कितना दिखाऊंगा, 1 लाख, एंड द रिमेनिंग 4 लाख जो है वो मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना, दैट रिमेनिंग 4 लाख इज टर्म्ड एज फिक्टिशियस एसेट। समझ में आया? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जितना हुआ, आई डिसाइडेड कि मैं 5 साल में एक्सपेंस दिखाऊंगा, बिकॉज 1 साल में दिखा दिया तो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बहुत गिर जाएगा एंड उससे इन्वेस्टर्स का इम्पैक्ट बहुत खराब जाएगा। जो है दिखाना ही पड़ता है, फुल राइट, जब मर्जी चाहे वो सारा डाटा मांग सकते हैं, अगर मतलब जैसे हम लोग को जो समझाते हैं
जैसे अब सुनो, इसने पूछा कि भैया पब्लिक नॉर्मल मिलेगा क्या? लेट्स सपोज शेयर मार्केट में हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, वी बिकम्स द इन्वेस्टर इन दैट कंपनी, तो हमारे पास फुल राइट है उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने का. अब कैसे देखेंगे? गूगल करेंगे, उनकी वेबसाइट में जाएंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर उनको अपलोड करना पड़ता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ये दोनों अपलोड करेंगे एंड हम लोग इजिली एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो एज अ इन्वेस्टर यदि मुझे उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नहीं दिखेगा, मतलब मेरे को रिटर्न ज्यादा नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा, उस कंपनी के शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दूंगा और इन्वेस्टर का फेथ डाउन, तो कंपनी का वैल्यू भी डाउन हो जाता है. वो अलग कहानी है, बट समझो मेरा कॉन्सेप्ट कि 5 लाख का एक्सपेंस किया, करंट ईयर में मैं कितना दिखाऊंगा, 1 लाख, एंड 4 लाख आई वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड, उसमें से 1 लाख फिर नेक्स्ट ईयर, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, ऐसे करके स्प्लिट करना. हाँ, अक्रूअल यही तो कंसेप्ट है, इसी को बोलते हैं हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आपने खुद ने बोला एडवर्टाइजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसको डेफर कर रहे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में प्रोविजन है कि आप ऐसा कर सकते हो, क्लियर है? तो मैंने क्या किया, 1 लाख एक्सपेंस करंट ईयर के पीएनएल में दिखाया एंड 4 लाख को कैरी फॉरवर्ड किया. अब ये 4 लाख कहीं ना कहीं मेरे बुक्स में दिखेंगे, मेरा बैंक से तो पैसा गया है ना, और आप ही ने बोला था कि भैया कोई भी ट्रांजेक्शन से मेरा फाइनेंशियल पोजिशन इंपैक्ट होता है. तो देखो, जब मैंने ये मेरा बैलेंस शीट है, 5 लाख का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, लेट से सपोज मेरे पास 50 लाख रुपए थे, इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में, बैंक में 50 लाख, कैपिटल 50 लाख, ठीक है. अब आपने 5 लाख एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर दिया, 5 लाख एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर दिया, तो बैंक से 5 लाख गया, बट करंट ईयर में आप एक्सपेंस कितना मान रहे हो, 1 लाख, तो प्रॉफिट उतने से ही कम होगा. अल्टीमेटली ये जो एक्सपेंस है कौन बियर करेगा, कैपिटल से ही तो कम होने वाला है, तो माइनस एक्सपेंस 1 लाख. बट क्या अकाउंटिंग मैच हो गया क्या? नहीं हो रहा ना, एक तरफ 45 लाख है और एक तरफ 51 लाख है, सॉरी माइनस क्या 49 लाख है, मैच नहीं हो रहा ना, तो मैच करने के लिए 4 लाख का तो डिफरेंस है जो आपने एक्सपेंस नहीं दिखाया. अब वो आप दिखाओगे विद द नेम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 4 लाख, जस्ट इसको मुझे एक्सपेंस दिखाना है ओवर द कमिंग इयर्स में. Now this advertisement suspense is known as fictitious asset. क्या प्रैक्टिकली इससे कोई पैसा मिलेगा क्या मुझे? बट है तो मेरा एसेट साइड में ना, तभी तो अकाउंटिंग मैच हुआ है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, अभी हो रहा है ना. अभी देखो यहां पे 49 लाख का टोटल है और यहां पे मैच हो गया ना. सेकेंड ईयर में आप क्या करोगे, इधर से 1 लाख कम हो जाएगा, ये बचेगा 3 लाख, इधर से 1 लाख कम हो जाएगा, वो एक्सपेंस तो कैपिटल में ही जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है. तो फिक्टिशियस एसेट्स, हाँ तो वो ऐड होते जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैच हो जाएगा इक्वेशन. समझ में आया फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इनटू कैश, मतलब खर्चा हो चुका है, बस अकाउंटिंग इक्वेशंस को मैच करने के लिए, अकाउंटिंग रूल्स को मैच करने के लिए, बुक्स को मैच करने के लिए हम लोग को उसको अपने बुक्स में दिखाना होता है, दैट इज फिक्टिशियस एसेट. यानी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, कभी कभी कुछ खर्चा करते हम इन कॉर्पोरेशन से पहले, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने से पहले भी बहुत एक्सपेंस होता है, कंपनी को खड़ा करने से पहले भी तो बहुत सारा एक्सपेंस होता है, आप रिसर्च करते हो, मार्केट स्टडी करवाते हो, फिर बहुत कुछ पेपर वर्क एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा एक्सपेंस होता है. And वो एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेशन से पहले के एक्सपेंसेस को अपन बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी मतलब शुरू होने से पहले का खर्चा, धंधा स्टार्ट करने से पहले भी धंधे के लिए बहुत एक्सपेंस करना होता है. इज इट क्लियर? तो बिजनेस तो मेरा रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं, बट मेरा एक्सपेंस पहले ही स्टार्ट हो जाता है,
तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन डेट से पहले का जितना भी एक्सपेंसेस होता है, सच एक्सपेंसेस आर नोन एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये बड़ा अमाउंट होता है। अब बिजनेस स्टार्ट होते ही फर्स्ट ईयर में तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा नहीं, एंड पूरा का पूरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मैंने अपने बिजनेस के फर्स्ट ईयर में ही एक्सपेंस दिखा दिया, मेरा प्रॉफिट तो बहुत कम हो जाएगा ना। तो आई कैन क्रिएट अ पॉलिसी कि हमारे बिजनेस का पॉलिसी है दैट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ओवर द 5 years में हम राइट ऑफ करेंगे, ओवर द 5 years में उसको एक्सपेंस दिखाएंगे। तो पहले साल तो सिर्फ 1/5 दिखेगा, बाकी 4/5 कहां चला जाएगा? एज अ फिक्टिशियस एसेट विद द नेम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑन। समझ में आया? हाँ, हाँ, लेकिन वो गया होगा बिजनेस का ही पैसा ना, तो जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो बिजनेस का अकाउंटिंग में तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ, तो खुद का पैसा बिजनेस के नाम पे दे दिया लेकिन बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन वो जा रहा बिजनेस का ही पैसा है, तुम्हारा पॉकेट से नहीं जा रहा है। तो बिजनेस इनकॉर्पोरेशन से पहले, इन्वेस्टर से तो नहीं लेते हैं, जैसे बैंक अकाउंट ओपन करवा दिया, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक, अपने को गुड टू गो सिग्नल नहीं मिला गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना होता है, राइट? अब वो डॉक्यूमेंटेशन बनाने में भी तो पैसा लगता है,